कि उनको एखानी न्यूज बहुत एक्साइटमेंट की सुनाई आती है और उनको लेटरिंग को या यूनियन को जाना पड़ता है, या उनको एक भय की न्यूज सुनाई आती है, टेंशन की न्यूज सुनाई आती है, डर की न्यूज सुनाई आती है, कोई फोन आता है ऐसा और उनको तुरंत भागना पड़ता है, लेटरिंग लग जाती है या उनको पेशाब लग जाती है। ये तो डायरेक्ट कनेक्शन है कि आपको भय लगता है, टेंशन, एक्साइटमेंट, और तुरंत इधर पेट में उसका असर आपको दिखता है। ये पेट का और ब्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन इसका सबूत है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको डर के मारे एकदम पेट में जैसे तितलियों का ऐसा फीलिंग आता है, या ऐसे क्रैम्स आते हैं, या पेट दर्द शुरू हो जाता है। बहुत बार ऐसा हो जाता है डर के मारे, तो होना बहुत लोगों को लगता है कि नहीं मुझे बहुत डर लगता है, कभी ऐसी घबराहट की या टेंशन वाली न्यूज सुनाई आती है तो लोगों को पहले भागना पड़ता है लेटरिन। तो ये जो लोग है इनको, काफी लोगों को इसमें का इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नाम की भी बीमारी रहती है, IBS। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ये बीमारी है, ये बीमारी 2 से 15% लोगों को होती है, मतलब 100 में से 15 लोगों को ये बीमारी पाई गई है, और ज्यादा औरतों में बीमारी पाई गई है। इसमें होता यह है कि एक तो खट्टी ढका रहना, पेट फूल जाना, फिर बहुत ऐसे अनईजी सेंसेशन लगना, बेचैनी लगना, पेट बहुत ही फूल जाना, तो फिर घूमना फिरना भी कठिन, ऐसा लगता है बहुत गैस हुआ है, पेट में दर्द होता है, फिर हिचकी कुछ लोगों को लग जाती है, ऐसा पानी पानी सा ऊपर आता है गले में, अन्न पचन नहीं होता है, लेटरिन साफ नहीं होती है। जिनको IBS-C रहता है मतलब कॉन्स्टिपेशन, जिनको दो तीन दिन लेटरिन नहीं होती है, और जिनको IBS-D रहता है मतलब डायरिया, तो उनको 3-4 बार 5 बार जाना पड़ता है रोज, और तभी भी उनको ऐसा लगता है कि साफ नहीं हुआ। तो ये जो है इसमें टेंशन, मतलब जैसा उसको बोलते हैं कि बॉइल, चिड़चिड़ा हो जाए, जो आंख है वो चिड़चिड़ा हो जाए, बहुत सेंसिटिव रहता है लोगों का। और फिर ये जो है पेट के सब विकार, ये पेट के दर्द, पेट का पचन नहीं होना, भूख नहीं लगना, फिर कुछ लोगों को कुछ फूड की एलर्जीज होती है, ये फिर ये नहीं चलता खाने को, वो नहीं चलता, ज्यादा तीखा नहीं चलता, ज्यादा तेल वाला नहीं चलता, ऐसा काफी सारी एलर्जी रहती है, पैज नहीं चलता तो बैंगन नहीं चलता, ऐसे काफी सारे रहता है उनको, तो वो एलर्जीज है। तो इसके वजह से फिर उनको क्या होता है कि डिप्रेशन, नर्वसनेस, मूड डिसऑर्डर उसकी वजह से होता है, या फिर ये दोनों का वैसे ही कनेक्शन है। ऐसा पाया गया है कुछ स्टडीज में कि सेरोटोनिन लेवल्स ये लोगों के कम रहते हैं ब्रेन में, और वैसे ही वो इंटेस्टिनल मतलब GI tract सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम, तो इसमें GI सिस्टम में इनके सेरोटोनिन लेवल्स कम रहते हैं, डोपामिन लेवल्स कम रहते हैं, और उसकी वजह से इनको ये प्रॉब्लम होते हैं। दूसरा ये प्रॉब्लम है, मतलब ये सिम्टम है, करके उनको डिप्रेशन आता है, नर्वसनेस, फिर चिड़चिड़ापन, फिर काम में मन नहीं लगना, काम में उत्साह नहीं लगना, ऐसा जो है। और कुछ लोगों को डिप्रेशन है तो इनको कॉन्स्टिपेशन होता है, तो लेटरिन साफ नहीं होता डिप्रेशन की वजह से, और फिर एक बार लेटरिन साफ नहीं होता है तो उनको बार बार फीलिंग आती है कि लेटरिन लग गई, लेटरिन लग गई, या फिर एक बार उनका लेटरिन साफ हो जाता है, तो नॉर्मल आदमी को भी एक बार लेटरिन साफ हो जाता है ना सवेरे, तो उसको अच्छा लगता है, पेट में हल्का सा लगता है, एक अपनी हैबिट से बनी हुई हो। तो ये लोगों का भी ऐसी है कि फिर लेटरिन साफ नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी लेटरिन होती है, उनको अच्छा लगता नहीं, फिर घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे सवेरे के इनकी इसमें जाते, सब तरह की रिपोर्ट से निकालते रहते हैं। जब हमारे पास में आते तो जैसे फाइलों को इकट्ठा रहता है, 8-10 डॉक्टर तो हुए रहते हैं, सब तरह की जांच की हुई है और उसमें कुछ निकला नहीं, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, और तभी भी प्रॉब्लम है। एक्चुअली उनको गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट मतलब पेट विकार के जो तज्ञ लोग हैं उनके सब फाइलें इनके पास में रहती है, और इन्होंने इनको ज्यादातर एंटी डिप्रेशंस, एंग्जायटीज दवा दी रहती है। अभी हम क्या करेंगे, जाना मैं क्या करता हूँ, उनको कुछ ऐसी दवा देता हूँ, मेरे पास में स्पेशल दवाई, हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तैयार की दवाई की हुई है, वो हम देते हैं, और वो दवाई देके उनको काफ़ी सारा फर्क पड़ता है। उसके साथ साथ मैं हिप्नोथेरेपी करता हूँ, हिप्नोटिज्म, और हिप्नोटिज्म में खुद को ऐसी सूचना देने के लिए बोलता हूँ कि भाई मेरे बदन का हर एक पार्ट जो है वो रिलैक्स हो रहा है। हालांकि हम वैसा रिलैक्स नहीं कर सकते, पेट थोड़ी रिलैक्स कर सकते, इट्स एन इनवॉलेंट्री सिस्टम, वॉलेंट्री सिस्टम थोड़ी है, और तभी भी ऐसा एक फीलिंग, ऐसा एक सेंसेशन कि मैं पूरा अंदर का पूरा हिस्सा में रिलैक्स कर रहा हूँ, और ऐसे 10 मिनट तक खुद को अफर्मेशन देना, तो उसमें बहुत फायदा दिखाई देता है। तो ये रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, दवाइयाँ हैं, और वो दवाई लेने से बहुत फायदा होता है।
जैसे एच पायलोरी इन्फेक्शन की भी दवाई लोगों ने ली रहती है, और एच पायलोरी इन्फेक्शन की दवाई जो लोगों ने ली नहीं रहती उनको मैं उसकी भी दवाई देता हूँ, ताकि उससे भी उनको काफी सारा रिलीफ मिलता है। एंटी डिप्रेसेंट एंजाइलाइटिस को लोगों ने तो बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। तो ऐसी सारी दवाई हम यहाँ से लोगों को भेजते हैं, उनको देने लगाते हैं, वो दवाई लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उन्होंने इस तरह का कॉम्बिनेशन कभी लिया ही नहीं रहता है। IBS ये ट्रीटेबल है, ट्रीट कर सकते हैं, लोग अच्छे हुए हैं हमारे दवाई से, हमारे ट्रीटमेंट से 70-80% फायदा लोगों को होता है, हर व्यक्ति को। कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं हमारे देश में IBS के ग्रुप्स, उनके व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें हमारा नाम चलते रहता है, बोलते यहाँ चले जाओ अकोला में, वहाँ रहो 8-10 दिन रहेंगे तो हम आपको मतलब वो डॉक्टर आपको अच्छा करेंगे, ऐसे हमारे नाम चलते रहते हैं अलग अलग IBS के ग्रुप्स में। और वो लोग हमारे यहाँ आते हैं, मुक्काम करते हैं 8-10 दिन, हम उनको इंजेक्शन देते हैं, गोलियाँ देते हैं, वो अच्छे होकर निकल जाते हैं। तो ये ट्रीटेबल कंडीशन है, फायदा होता है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स मेडिसिन से आप अपना लाइफ अच्छा कर सकते हो और अपना जीवन जो है वो बहुत खुशी से जी सकते हैं। जो आपको अच्छा लगा तो जरूर इनको IBS के प्रॉब्लम है, पेट के प्रॉब्लम है, उनको जरूर रेफर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।